नो क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि ए सम ऑफ एक्स रुपीज इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी। एक्स रुपये है जो कि ए बी सी के अमॉन्ग बीच में बांटा जा रहा है। इन सच दैट रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 7:5। ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है, 7:12 है। एंड डेट ऑफ बी एंड सी इज 8:5। और बी अनुपात बी और सी का जो रेशियो है कितना है, ये आपका दिया गया है 8:5 दिया गया है। इफ द डिफरेंस इन द शेयर ऑफ ए एंड बी सॉरी ए एंड सी इज 214 रुपये, ए और सी के बीच का जो डिफरेंस है वो 214 रुपये है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि टोटल जो रुपीज है वो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं बी जो है डबल बना रहे थे, बी को यहाँ पर हम इक्वल कर देंगे। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, बी को इक्वल बनाने के लिए हम यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बी इक्वल होगा। तो अब या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए अनुपात बी है और बी अनुपात सी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं 7:12 और 8:5, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से भी आप रेशियो निकाल सकते हैं। फिलहाल फिलहाल हम इसी मेथड का यूज करके रेशियो निकालेंगे। ये हो गया आपका ए अनुपात बी अनुपात सी। 2 से हम इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, और बी कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और सी कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है, एक एक का वैल्यू कितना दिया है, 214, 214 एक का वैल्यू दिया गया। पूरा पूरा राशि हमको बताना है, ए बी और सी को हमको जो पूरा राशि है कितना राशि था जो डिवाइड किया गया है वो आपको निकालना है। तो तीनों को जोड़ देंगे, 5 4 9, 9 4 13, और 2 2 4 1 5, 53। तो 53 का वैल्यू कितना है, एक का वैल्यू इतना है, 53 का कितना जाएगा, 214 से मल्टीप्लाई करेंगे 53 में। अब देखिए यहाँ से आप यूनिट डिजिट से पता लगा सकते हैं आंसर जो है, सारे के सारे जो आंसर है वो भिन्न हमको दिए गए हैं, अलग अलग दिए गए हैं। तो हम यूनिट डिजिट से यहाँ पर काम चलाएंगे। चलते हैं 12, यानी कि लास्ट का जो डिजिट है वो 2 आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर दो ऑप्शन होता है तो हम फिर यहाँ से गुना करना पड़ता हमको। फिलहाल एक ही ऑप्शन है, 1 1 3 4 2, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।